बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सालार खान हेयर और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जी एग्जाम्पल और असाइनमेंट नंबर 2.4। अगेन ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ही रिलेटेड है, तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4 है जी। 2.3 है जी। 2.3 पिछले वीडियो में हम 2.2 कर चुके हैं जी। अच्छा, क्या कहते हैं? फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो एंगल आपने फाइंड करना है थीटा, बिटवीन टू फोर्सेस है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, इनके दरमियान थीटा फाइंड करना है, सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू आइदर ऑफ देम। और रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड is also equal to what? Is equal to the magnitude of the forces. Any of the force. इसका मतलब है कि दो forces हैं. Find the angle. मैं जरा repeat करता हूँ, इधर मैंने सही नहीं लिखा. Find the angle between two forces of equal magnitude such that the resultant magnitude is also equal to the forces. इसका मतलब दो forces है F1, इसका magnitude होगा F1. दूसरा फोर्स है F2, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा F2, और एक आपका रिजल्टेंट फोर्स है FR, उसका मैग्नीट्यूड FR। तो ये कह रहा है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है F2 के मैग्नीट्यूड के, और ये इक्वल है रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड के भी। तो फाइंड करें कि थीटा बिटवीन द टू फोर्सेस क्या है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी डिराइव करवा चुका था, दैट वाज ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और इसको मैं करता हूं अंडर द रूट। अब इधर क्या है जी, हेयर रिजल्टेंट जो है वो एफ आर है, ए जो है वो एफ वन है, और बी जो है वो एफ टू है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो करें जरा, एफ आर इज इक्वल टू एफ वन स्क्वायर्ड प्लस एफ टू स्क्वायर्ड प्लस टू टाइम्स एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा एंड होल अंडर द रूट। बट गिवन व्हाट? बट गिवन के एफ वन एफ आर का मैग्नीट्यूड इक्वल है एफ वन के मैग्नीट्यूड के, इक्वल है एफ टू के मैग्नीट्यूड के। लेट से मैं इसको एफ कंसिडर करता हूं। सो एफ इज इक्वल टू व्हाट? एफ स्क्वायर्ड प्लस एफ स्क्वायर्ड प्लस टू एफ इंटू एफ अगेन एफ स्क्वायर्ड और कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। एफ इज इक्वल टू टू एफ स्क्वायर्ड प्लस 2f स्क्वायर्ड कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। 2f स्क्वायर्ड कॉमन है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2f स्क्वायर्ड कॉमन, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा रह गया कि नहीं रह गया? बिल्कुल रह गया। क्या करता हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप करते हैं इंप्लाइज व्हाट? f स्क्वायर्ड, और इसका स्क्वायर्ड जो है उड़ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। सो 2f स्क्वायर्ड 1 प्लस cos ऑफ थीटा, f स्क्वायर्ड के साथ उड़ जाएगा 1 बाय 2, नहीं 1, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस cos ऑफ थीटा। 2 को डिवाइड करें, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा बराबर होगा 1 बाई 2 से माइनस करें 1 को, cos ऑफ थीटा बराबर होगा माइनस 1 बाई 2 के। थीटा वुड बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट? ये जब आप कैलकुलेटर से करते हैं, सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एट 120 डिग्रीज टू ईच अदर, द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज द सेम ऑफ देम इफ द फोर्सेस आर इक्वल। इसका मतलब एक फोर्स लेट सपोज ये है, ठीक है, 0 डिग्रीज पर है, दूसरा इससे 120 डिग्रीज पर है, ये दोनों सेम है, ठीक है, F1
F2 सेम है, ये थीटा 120 डिग्रीज है, ये रिजल्टेंट जब आप बनाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम होगा इसके। अच्छा जी, तो अब तक ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी डिराइव कर चुका था और इसके बेस पे मैंने किया, लेकिन आपकी बुक में जो है इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से प्रूफ किया हुआ है, तो लेट्स से मैं बुक मेथड से भी इसको प्रूफ कर देता हूं। उन्होंने कहा हुआ है कि से एक फोर्स F1 है एट एन एंगल क्या है जी, थीटा 1, जो कि 0 डिग्रीज है, तो F1 एट अ 0 डिग्रीज एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया जी, तो इसका मतलब F1x, which is F1 cos of 0 would be only F1, और फिर जो F1y है, which would be F1 sin of 0 would be what? It would be 0. इसका मतलब इसका कोई y कंपोनेंट नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अब एक दूसरा फोर्स है F2, which is at an angle theta degrees। ठीक हो गया है, let's say generally कोई भी एंगल है, लेट्स से दिस इज थीटा एट विच दिस F2 इज अकरिंग, तो इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। सो F2 x कंपोनेंट वुड बी व्हाट, F2 cos ऑफ थीटा, और F2 का जो y कंपोनेंट है दैट वुड बी F2 sin ऑफ थीटा। इस तरह होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, मैं जरा बुक से लिखता हूं। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है जी, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो लेट सपोज मैं लिखता हूं, आपको ऑलरेडी गिवन है कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेट से F मैं लिखता हूं, ठीक है, तो इसको भी मैं F लिखता हूं, इसको मैं F cos of theta लिखता हूं और इसको मैं F sin of theta लिखता हूं। अब क्या होगा जी, रिजल्टेंट जो आपका वेक्टर है वो होगा x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट, वेयर द x कंपोनेंट इज व्हाट, इट वुड बी f1x प्लस f2x, और फिर प्लस f1y प्लस f2y, तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह, fr इज इक्वल टू x कंपोनेंट क्या है जी, f और प्लस f cos ऑफ थीटा इंटू i नॉट वेक्टर, और f1 y 0 है, और ये दूसरा जो है f sin of theta into j नॉट वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, ये तो इक्वल है f के, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, f प्लस f cos of theta होल स्क्वायर प्लस f स्क्वायर sin स्क्वायर theta, सही है क्या गलत, बिल्कुल सही। अब क्या करता हूं जी, f a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये अपनी जगह पर। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, लेट से चले करते हैं दोबारा, और फिर ये प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा चले, कोई नहीं, एक स्टेप जरा सी गलती हो गई, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये एफ स्क्वायर अपनी जगह पर, और एफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनमें एफ स्क्वायर कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये टू एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर। अब ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो वन के इक्वल होता है। अब नीचे आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा, एक लाइन तो मैं तकरीबन लिख ही सकता हूं, तो बस एक ही लाइन अगर मैं लिख लेता हूं तो काफी होगा जी, एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसके साथ नहीं है, इस थीटा के साथ स्क्वायर नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, और ये तो अगेन मैं इधर पहुंच गया हूं ना जी, इधर मैं पहुंच गया कि पहुंच नहीं गया, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अगेन द सेम प्रोसीजर आप रिपीट करें, थीटा आएगा cos इनवर्स 1 ओवर 2, दिस वुड बी 120 डिग्रीज। तो ये दोबारा एक्सप्लेन करने का मेरा जो अल्टीमेट गोल था वो ये था कि मैं
फर्स्ट ऑफ ऑल तो बुक मेथड से जाऊं, और दूसरा ये कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे इन्होंने एम्फेसाइज किया हुआ है। पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर चुका था ना, प्रूफ भी करवा चुका था, मैंने आपको कहा था ये एंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने उसी से डायरेक्टली करवा दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब इन दोनों वैक्टर्स के दरमियान अगर एंगल 120 डिग्रीज होगा तो रिजल्ट उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो आप चले होमवर्क ले लेना, होमवर्क ले लें से चले F1 को आप जरा 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें और F2 को भी 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करें एट 120 डिग्रीज, तो आप देखें कि रिजल्टेंट जो इससे आएगा हेड टू टेल रूल से ये भी 5 सेंटीमीटर आएगा। और आप जरा इसको ग्राफ पेपर के ऊपर होमवर्क पे वेरीफाई करें, और जब आप कर लेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे डन लिखें। असाइनमेंट नंबर 2.3 जल्दी जल्दी करेंगे जी, असाइनमेंट नंबर 2.3, क्योंकि इसके ऊपर हमने जरा ज्यादा टाइम लगा दिया। टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 10 यूनिट मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज विद ईच अदर। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि F1 जो है वो 20 न्यूटन है, वो एट थीटा 1 0 डिग्रीज है, और F2 जो है वो एट एन एंगल है, आपको गिवन है 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल लेट्स से थीटा 2 इज 120 डिग्रीज। Find the resultant that would replace the given forces and then balance the forces. तो इसका मतलब है पार्ट ए में आपने करना है जी replace the two. तो इसका मतलब है कि आपने इनका equivalent find करना है, और बी में आपने इसको क्या करना है जी बैलेंस करना है। तो मैं समझाता हूं, पार्ट नंबर ए का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है जो कि होगा F1 x कंपोनेंट क्या होगा जी F1x plus F2x with I unit vector, और y component क्या होगा F1y plus F2y with J unit vector, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। F1 cos of theta 1, F2 sin of theta 1, I unit vector plus F1, ये F1 cos of theta 2 है यार, F1 cos of theta 2, F1 sin of theta 1 plus F2 sin of theta 2। समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही। J unit vector, ये तो मैं ऑलरेडी बहुत मर्तबा करा चुका हूं ना जी। इसमें वैल्यूज पुट अप करें, वैल्यूज इसमें पुट अप करते हैं, क्या आता है जी 20 cos of 0 प्लस F2 है ठीक है, प्लस 10 cos of 120। इस तरह आप ना किया करें ठीक है, आप स्टेप वाइज ही करें जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। इस तरह फिर आप कंफ्यूज होंगे जिस तरह मैं अब जल्दी में कंफ्यूज हो रहा हूं। 20 sin of 0 plus 10 sin of 120, ये जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, शायद मैंने इधर अपने पास किया हुआ हो, होना तो चाहिए कि मैंने किया हुआ हो, 15 आई यूनिट वेक्टर और प्लस ये आएगा जी जो रिजल्टेंट है, ये आएगा 15 टाइम्स आई यूनिट वेक्टर और प्लस 8.66 जे यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर में आया आपके पास। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 15 स्क्वायर्ड प्लस 8.66 स्क्वायर्ड अंडर द रूट होल होगा कि नहीं होगा? क्या आता है इससे 17.32, और थीटा वुड बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ 8.66 अपॉन 15 व्हिच इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। और देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर में है, सो दिस वुड बी इक्वल टू थीटा आर। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास एक फोर्स सिस्टम गिवन है, लेट सपोज ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, और ये इसका रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट तो इन दोनों को क्या कर देगा जी, रिप्लेस कर देगा। यानी इन दोनों फोर्सेस के बजाय अगर आप ये सिंगल रिजल्टेंट फोर्स लगाए तो उसका इफेक्ट सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अब पार्ट बी का क्या मतलब है? पार्ट बी में आपने बैलेंस करना है इस फोर्स को। तो बैलेंस का मतलब होता है एन इक्वल फोर्स, अ फोर्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए
जिस तरह टेंशन इन स्ट्रिंग होता है, लेट्स से कोई चीज स्ट्रिंग से जो है एक मास अटैच्ड है, तो इसका वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें टेंशन होती है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू गिव सपोर्ट। तो ये यानी बैलेंसिंग के लिए इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर चाहिए। तो ये अगर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसको बैलेंस करने के लिए जो वेक्टर होगा वो ये होगा, तो उसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो वही होगा। मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा जी, लेट्स से एफ बी, इसको मैं कहता हूं बैलेंसिंग वाले को, तो एफ बी का मैग्नीट्यूड भी द सेम होगा एज दिस वन 17.32, लेकिन इसका जो एंगल होगा थीटा दैट वुड बी व्हाट। अब देखें ये एक एंगल थीटा है विद दिस एक्सिस और ये जो दिस एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं जी, दीज आर कॉल्ड मेरे ख्याल में अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, और ये सेम होते हैं। इसका मतलब अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये भी 30 डिग्रीज होगा, तो थीटा इज 30 डिग्रीज। बट देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द डायरेक्शन, अगर ये 30 डिग्रीज है लेकिन ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, हमारा जो एंगल होगा वो तो ये एंगल होगा थीटा ऑफ द बैलेंसिंग वन, लेट्स से थीटा बी मैं इसको कहता हूं। सो थीटा बी वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 180 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज व्हिच इज 210 डिग्रीज। समझ आई? बिल्कुल आई। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसमें और कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं स्पीड में गया और वो इसलिए कि इसकी एक बहुत बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आप लोग बाज़ मेरे दोस्त और आप लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत स्लो जाता हूँ जी। तो आज और पिछले वीडियो में मैंने ज़रा स्पीड अपनी तेज़ रखी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी जी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, वही प्रोसीजर है जी, क्या करते हैं वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में, और जो रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट होगा उसके लिए उन दोनों को ऐड करेंगे, एक्स को एक्स के साथ वाई को वाई के साथ। थीटा जो होगा टेंजेंट इनवर्स वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट होगा, और बाकी ये रूल्स आपको पता है। अब ये जो एग्जांपल है तो इन दोनों फोर्सेस को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बाय अ सिंगल फोर्स दैट इज द रिजल्टेंट, तो उन दोनों को अगर मैं हटा के एक सिंपल फोर्स एक फोर्स लगाऊं रिजल्टेंट, सो द इफेक्ट वुड बी द सेम। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, द सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, द सेम फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड उसका वही होगा डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। अब और इसको वेक्टर फॉर्म में आप जरा होमवर्क में लिख लीजिए, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इसका किस तरह होगा, क्या आप खुद नहीं लिख सकते, आपको उसके मैग्नीट्यूड भी नोन है और इसका एंगल भी नोन है, तो क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि उसके कंपोनेंट्स किस तरह लिखेंगे। एफ बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ बी वुड बी व्हाट, एफ बी एक्स प्लस एफ बी वाई इंटू जी यूनिट वेक्टर, ये आई यूनिट वेक्टर होगा, वेयर एफ बी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ बी का मैग्नीट्यूड जो कि आपको गिवन है कॉज ऑफ थीटा बी, और एफ बी वाई वुड बी व्हाट, एफ बी वाई वुड बी एफ बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा बी। तो इस एंगल का कॉस और साइन मालूम करें और उसको मल्टीप्लाई करें विद द मैग्नीट्यूड, और ये आपको आई और जे यूनिट वेक्टर्स के साथ आपको ये कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर मिल जाएगा। सो दैट वुड बी द सेम वेक्टर द सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं जी, अभी लाइट नहीं भी जाना है, बस 2-3 मिनट है जी, मैं बड़े ज़बरदस्त टाइम में मैंने वाइंड अप कर लिया। आपसे मुलाकात होगी जी इन द नेक्स्ट वीडियो, वेयर मेरे ख्याल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डॉट प्रोडक्ट। सो सी यू देयर वेरी सून इंशाल्लाह, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।